एक फरवरी को निर्मला सीतारमण एक चुनौतीपूर्ण बजट पेश करने जा रही है। अब ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कोरोना के चलते बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या आम आदमी को यानी आप लोगों को टैक्स में कुछ रियायतें देखने को मिल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस साल के बजट में किस सेक्टर पर सरकार का ज्यादा फोकस रहने वाला है और किस सेक्टर को निराशा हासिल होने वाली है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रहने वाला है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बजट में कोरोना से प्रभावित आम आदमी के लिए किसी तरह की कोई विशेष राहत की उम्मीद नहीं है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी भारत के करंट फिस्कल ईयर यानी 2021-22 में 9.2% की दर से विकास करने की उम्मीद है। वहीं अगले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट 7.3% के आसपास रह सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जीडीपी में 55% हिस्सेदारी प्राइवेट कंजम्पशन की है, लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि भारत में प्राइवेट कंजम्पशन अभी कोरोना के पहले वाले लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। इसका बड़ा कारण है कि हाउस होल्ड पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण खर्च करने की क्षमता घट गई है। आपको याद दिला दें कि ये बजट 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पेश किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं जो केंद्र सरकार के लिए काफी अहम है। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्रामीण भारत पर ज्यादा फोकस करें। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर का बजट में 12-25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार का इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर ज्यादा जोर रहेगा। इंडिविजुअल और कॉरपोरेट टैक्स में किसी तरह के बदलाव की संभावना फिलहाल कम है। सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सरकार का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रह सकता है। इस बजट में सरकार 25% से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। इसके तहत रोड, हाईवे और रेलवे के विकास पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो सरकार का इस बजट में 2022 में निजीकरण को लेकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार पिछले 3 सालों से इस टारगेट को मिस करती आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार कोई बड़ा टारगेट रखने से बचे। कोरोना के चलते भारत वैसे भी काफी आर्थिक दबाव झेल रहा है। ऐसे में ये आने वाला बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।